वो कहते हैं ना, MBBS की गर्लफ्रेंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं टिकती। रिचा के भी लक्षण कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। क्यों, अब क्या हुआ? ये लिबरल विबरल ना सब बकचोदी है, समझे? अपन भी लिबरल हैं, जेन्युइन रियल कॉन्सेंट्रेटेड टाइप लिबरल, पर अपन ने कभी कबीर सिंह टाइप हरकत नहीं करी। ये मेरी बंदी है। नहीं, जब पूछो कहाँ हो, विशाल के साथ, किससे बात कर रही हो, विशाल से, किसका मैसेज आ रहा है, विशाल का, और मैंने पूछ क्या लिया, तुम्हें विशाल से प्यार व्यार हो गया क्या, चटक गई। कहती है 90s के हो तुम बिल्कुल, कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। और ये कैसी दोस्ती है कि अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ कंबाइंड स्टडी करने में प्रॉब्लम है। कहती हो तुम कॉम्पिटिटिव हो जाते हो। अबे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव ही होगा ना, और कंबाइंड स्टडीज विशाल के साथ क्यों करती है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट है। माकड़ा रात रात भर चाय चल रही है, कंधे पे सरक के सोया जा रहा है। अरे तुझे कैसे पता? क्या कैसे पता? कि उसके कंधे पर सर रख करके सोती थी। मैं भी गया हूँ ना 2-3 बार कंबाइंड स्टडी करने, थर्मस में चाय भर के। मेरे सामने कंधे पर सर रखा उसने। फिर भाई मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता, मतलब जीरो समझ नहीं आता। क्या कॉन्सेप्ट? यही कि विशाल के साथ बातें करने में मजा आता है, विशाल के साथ पिक्चर देखने में मजा आता है, विशाल के साथ पढ़ाई करने में मजा आता है, विशाल के साथ सेक्स भी कर लो और मजा आएगा। यार मुझे भी तेरे साथ में बातें करने में, फिल्म देखने में, चाय पीने में बड़ा मजा आता है, तो सेक्स कर लूं तेरे साथ में, ऐसा ख्याल कभी नहीं आया मुझे। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि ऋचा की रैंक क्या है यार? 224। और तेरी? 655। ये है प्रॉब्लम यार, मुझे किसी तरह ऑर्थो मिल जाए यार, मां कसम मैं भी विशाल के कंधे पे सर रख के सोऊंगा। ए चल तुझे ऑर्थो दिलाते हैं। ऑर्थो नहीं है भोपाल में। इंदौर? ना। ग्वालियर? ना। मंदसौर? ऑर्थो है सिर्फ मंदसौर में। मंदसौर में कोई रहता भी है जो वहां पर हड्डी टूटेगी किसी की? सर भोपाल में ही देखिए ना प्लीज, इंदौर मैक्सिमम, घर पे मम्मी अकेली है, छोड़ नहीं सकते। बेटा किस्मत है तुम्हारी, मिली है एक सीट। किधर सर, किधर? भोपाल, गलती से एक सीट रह गई है। कौन से कॉलेज में? भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। क्या बात कर रहे हो सर, टॉप कॉलेज है। दे दीजिए सर। गायनेकोलॉजी। गायनी तो नहीं ले पाएंगे सर, कुछ जुगाड़ लगा के देखे ना कहीं, और भोपाल में देखे ना प्लीज। ये रोल नंबर है प्रियंका सिंह, और तो मिला इसे, अगर ये मान जाए तो इससे तुम्हारी सीट बदल सकते हैं। समझ गए सर, थैंक यू सर। क्या मिला? स्त्री रोग। अच्छा सुन, वो प्रियंका सिंह है, उसको और तो मिला है, इसको जानता हूँ मैं, इससे चेंज करवाना है। हाँ सही है। मनाऊंगा कैसे? अरे बोलना ना उसे कि मैं गायनी नहीं ले सकता, पर आप गायनी ले सकती हो। मुझे क्यों बोलना कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं, अब उसका इलाज मैं क्या करूंगा? अरे बकर करके तुम IAS क्लियर करोगे? इससे बेटर आर्ग्यूमेंट है तुम्हारे पास? ऑब्वियसली। तो जाओ दिखाओ। हाय प्रियंका सिंह जी, मैं ऋचा के साथ आपको मिला था, गर्लफ्रेंड है मेरी। ओ हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि बचपन से सपना था मेरा ऑर्थो लेने का, और आपको ऑर्थो मिल गई। मेरा भी सपना था, मुझे गायनी मिली है। वाओ, मजाक उड़ा रही हो? नहीं। तो एक काम करते हैं ना, तुम गायनी ले लो, मैं ऑर्थो ले लेता हूँ। What? हाँ। No, no, no. सुनो, आर्गुमेंट है मेरे पास। तुम ऋचा और मैं शादी करने वाले हैं, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ऑर्थो लूंगा, वो ऑप्थेल्मोलॉजी लेगी, हम मिलकर क्लिनिक चलाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े प्लान है शादी के बाद, शादी से पहले हमारा डिवोर्स मत करवाओ। एक मिनट, तुम दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, तुम किसे बत्ती दे रहे हो? पूरे गर्ल्स हॉस्टल को पता है ये बात, और ये
आई सर्जन और ऑर्थो मिलके कौन से क्लिनिक चलाते हैं? वेट अ मिनट, व्हाट आर वी इवन टॉकिंग अबाउट? तुम गायनी लो या ऑर्थो लो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? तुम गायनी ले लो ना यार, तुम ले सकती हो, मैं नहीं ले सकता। क्यों? जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसका इलाज मैं क्या करूंगा? I don't believe this. गायनी नहीं ले रहा हूं। शुक्र करो तुम्हें टट्टी पेशाब नहीं मिला। पैथोलॉजी बोलते हैं उसे। हाँ वो ही मिल गया होता तो। ऐसे कैसे मिल जाता आंटी? मैंने खुद साइन कराया इनसे गायनी पे। डालिए। हाँ थैंक यू। देखना। तरबूज खा रहा हूँ, तुम लड्डू ठूसे जा रही हो बीच में। तुमने अपने लिए बनाए खाओ ना तुम। अपने लिए बनाए मतलब? तुम्हें पसंद है, तुम्हें खाने होते हैं, मुझे क्यों खिला रही हो? जिसके लिए भी बनाए हो मेहनत तो लगी है ना। 2.5 घंटे लग के पहले खोया बनाया, फिर उसमें मेवा घिसा, फिर घंटों हाथ से मेट मेट के गोले बनाए, तब जाके बनाए ये। इनमें से एक भी लड्डू गोल नहीं है। हाँ तो बेटा, घी का लड्डू आड़ा तिरछा भी हो ना तो घी का लड्डू होता है। बहुत गहन बात है ये। क्या गहन है इसमें? गहन है कि डॉक्टर होना भी घी के लड्डू होने जैसा है। हड्डी का हो या टट्टी पेशाब का, डॉक्टर डॉक्टर होता है। जब हम टीवी पर किचन कैप्टन जीतेंगे ना, तो अपने कॉलेज में घूम घूम के दोस्तों को बोलो कि हमारे मम्मी के हाथ की दवाई भी मीठी बनती है। हाँ यार, इतनी मुश्किल से तुम्हें पीजी मिल रहा है, ले लो। इनका करूंगा क्या? यहाँ देख रहे हो ना, 3 साल से पड़े हुए हैं, आईएएस के प्रीलिम तक नहीं निकल रहे हमसे। यार भाई, हम इस महीने का रेंट अगले महीने दें। वक्त ओके। हेलो। हाँ ऋचा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। कल फ्री हो तो मिल सकते हैं? हाँ कल मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय 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 बाय। पॉइंट 1, तुम्हें विशाल से कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 2, सेक्स करने के बारे में सोचना भी मत। पॉइंट 3, बस कहते रहना सॉरी 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 सॉरी। पूरे 25 मिनट लेट है मैडम, शर्त लगा लो, मुझसे सॉरी नहीं निकलेगी इनके। सॉरी यार, लेट हो गया। हाय, नहीं इट्स कूल ओनली। तुमने प्रियंका को बोला कि हमारी शादी होगी, तो बच्चे होंगे, हमारा अपना हॉस्पिटल होगा। बच्चे होंगे ये नहीं बोला यार, व्हाटएवर, मुझे नहीं करने बच्चे, मुझे शादी भी नहीं करनी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो अब बहुत लेट हो चुका है। लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। विशाल और तुम सिर्फ दोस्त हो, आई अंडरस्टैंड इट, आई एम फाइन विद इट, आई गेट इट। मतलब कितना अच्छा लड़का है, देखो रैंक कितनी अच्छी आई उसकी। मैं विशाल की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। व्हाट इज द इशू देन? तुम मुझे सफोकेट करते हो। मैं? हाँ, तुम्हें हर बात, हर टेक्स्ट, हर कॉन्वर्सेशन जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो बताना पड़ता है। ऐसा लगता है मेरे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तुम यार चाय थर्मस लेके विशाल के घर आ गए थे। So it is about विशाल actually, हाँ। उधर तुम सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। शायद तुम्हें ना, शायद तुम्हें लड़कियों की बात सुनाई नहीं देती। लड़कियाँ शायद तुम्हारे लिए चमगादड़ है, वो अलग ही फ्रिक्वेंसी पे आवाजें निकालती है। कुछ तो भी लॉजिक लगा रही हो तुम यार। आई एम डन, आई नीड टू गो, तुम ख्याल रखना अपना। Do you love me? I love you a lot. तुम्हें ब्रेकअप सेक्स करना है? हाँ कर सकते हैं। Wow, it's such a and you think you love me? प्रियंका को बोला था ना तुमने, जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं उसका इलाज कैसे करोगे? रीढ़ की हड्डी तो है नहीं तुम्हारे पास, ऑर्थोपेडिक बनके करोगे क्या? पूरी जिंदगी मुझे उल्टा क्यों ना लटकना पड़े, मुझे ऑर्थो चाहिए बस। बच्चे हो क्या होता है? हाँ ज्वाइन नहीं करोगे मतलब, फिर से 1 साल ड्रॉप करोगे? तो क्या करूँ दादा? तुम्हें याद है हाई स्कूल में जब तुम्हारा हार्ट टूट गया था? एक्सक्यूज मी सर, काव्या जी आई हैं। हाँ भेजो अंदर, आ जाओ आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हाय। हाय उदय, ये काव्या है मेरी फ्रेंड, मेरा भाई MBBS है, PG कर रहा है कहीं नहीं में। लेकिन मैं PG की फिर से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ऑर्थो चाहिए दादा की तरह। मेरा भी 12th है बायो से, मेडिकल की प्रेप कर रही हूँ।
लेकिन आपको गायनी क्यों नहीं करना? क्योंकि गायनी लड़कियां करती हैं। बहुत तेज चल रही है, अभी से पीजी के बारे में सोच रही है। अरे तुम पहले पीएमटी तो निकालो। एक मिनट, ये लो। यार ऐसा फंसाओ ना इसके चक्कर में, मतलब एडवेंचर। थोड़ी छोटी नहीं है दादा? 18 की होने वाली बस, और छोटी चाहे जितनी भी हो, इसके बड़े बड़े शौक पूरे करने में सांस फूल जाती है। अशोक, हाँ, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। है ना, वैसे पीजी में मुझे गायनी मिली होती ना, मैं तो लपक कर ले लेता। दादा हाई स्कूल में मेरा हार्ट टूटा था, आप कुछ कह रहे थे। अरे हाँ काव्या, तुम भी सुन लो, इंस्पायर हो जाओगी अपने एग्जाम्स के लिए। हाई स्कूल में ना एक बार उदय का हार्ट टूट गया था। जब मैं इसका प्लास्टर कर रहा था, पता है इसने क्या कहा? 3 महीने हैं बोर्ड्स में, बाएं हाथ से लिख के उतने ही नंबर ले आऊंगा। यार कायल हो गया था मैं तुम्हारी उस बात पर। तुम्हें पता है काव्या, ये मेरी हर बात मानता है, ये बिल्कुल वैसे ही फाइट मारने का टाइम है। अभी तो टाइम है ना, कितना 10-12 दिन लेट हो ना ज्वाइन करने में। इधर आओ, देखो गायनी में अपनी सीट रोक कर रखो, हर महीने 50,000 उठाते रहो और साथ साथ अगले साल की तैयारी करते रहो जी। हाँ, मल्टीटास्किंग जैसे काव्या करती है, राइट? अगले साल मेरे दोनों शेर फोड़ देंगे, एक पीएमटी में और दूसरा पीजी में। जी दादा। कहते हैं सब बेटा बुद्धू है तू, देख अच्छा नहीं इतना ऑप्टिमिज्म। मैं कहता हूँ बेटा स्टार्टिंग है वो जहाँ सबको लगे हुई स्टोरी खत्म 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 खत्म। होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, मेरी थिंकिंग सीधी साधी, मैं हूँ इडियट आशावादी। That's right. होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, इडियट 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 आशावादी, इडियट इडियट। मंगल हो, बृहस्पत हो, आधा चांद, पूरा चांद, जो भी हो, उससे भी बच्चे के लिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे पूरब दिशा में करें या पश्चिम में, लड़का होगा कि लड़की इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं मेरी जॉइनिंग है। लेबर रूम बंद, बाहर जाके सीधे जाके ले। नहीं आपसे नहीं बोल। लेबर रूम डिलीवरी चली है, लेट हैं आप, 9 बजे का टाइम था ना। अनीश इज फुल, सक्शन कब तो जल्दी, फीटल डिस्ट्रेस लग रहा है। अरे अंदर कहाँ? मैम वो क्या न्योता मिला है? कोई आदमी दिख रहा है? हाँ इधर तो। I'm Dr. Uday, first year PG. फ्रेशर पार्टी चल रही है यहाँ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आउट। एनीपीडिया में बोल दो और इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। अरे आप मेरा ध्यान तो रखिए मैम। Only when it grows in a number, that is when it causes a vaginal infection, vaginitis. और हमने देखा है कि फंगस गीली दीवारों पर या फिर पेड़ों पर जम जाता है। Why? Because of moisture. Moisture. तो सोचिए इन बदमाशों को पार्टी करने के लिए अपनी वजाइना से बेहतर क्या जगह मिल सकती है। हेलो मैम, डॉक्टर उदय गुप्ता, फर्स्ट ईयर। 10 दिन लेट हैं आप, शगुन का और एक दिन ले लेते। आइए। चढ़ावा
Okay, fungus. Let's take a look at this vagina. Uday zero. Stree rog vibhag one. OPD, OT, labor room. हर जगह ड्यूटी लगा दी मेरी. चमन समझाया क्या? तेरी बहन की. क्या? क्या बदतमीजी है? सर पे मारा है, पिछवाड़े पे नहीं. कहीं पे भी क्यों मारा है? What's wrong with you? डीन को कंप्लेंट करो, कॉलेज से निकाली जाओगी. घर बैठ के matrimonial.com पर लड़का ढूंढना. अबे ओए ओए, आंख और जुबान दोनों नीचे कर, समझा? ज्यादा उछल मत. क्यों? जूनियर है ना, जूनियर की तरह. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? लुक एट, बदतमीजी कर रही है. बोल रही है आंखें नीचे करो, कोई तरीका है? तो आंखें नीचे कर. सीनियर कल बोलेगी पेशेंट को आनीमा देके उसका टट्टी साफ करो, तो करने का. सीनियर और अभी आंखें नीचे कर. ए थर्ड बटन. तू स्टोर रूम में कितना अकड़ रहा है, जलवे देखो. नाम क्या है तुम्हारा? उदय. गलत जवाब. तुम्हारा नाम है चढ़ावा. अच्छा, इस डिपार्टमेंट में जो भी लड़के आते हैं ना, वो हमारी माँ है ना, नंदिनी मैम, उसको चढ़ावे की तरह बलि चढ़ जाते हैं. ओके, वेरी गुड. बेटा गुस्सा मत दिखा इतना, तेरे भले के लिए तुझे यहाँ बुलाया है. हमारा ना एक बैचमेट था, क्या नाम था उसका? प्रशांत रस्तोगी. नंदिनी मैम के चलते 4 महीने में डिपार्टमेंट से कट लिया. अब पिछले 1 साल से घर पे बैठा है फालतू में. तो इस ज्ञान सेशन के लिए मेरे सर पे मारना जरूरी था क्या? टिपली मारना मजाक था, किसी लड़के ने मारी होती ना इतना नहीं चटकता. चल गुस्सा ठंडा कर ले, तू भी टिपली मार ले यार. तू एक्चुअली वेट, यू स्पैंक मी. स्पैंक? हाँ, स्पैंक. सीनियर ने बोला तो सर आंखों पर, तो अभी मार वरना चढ़ावा बनेगा तेरा. मार. कम ऑन, स्पैंक 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 स्पैंक. कम ऑन स्पैंक. अरे चल मार. सुन, मैं मैट्रिमनी पे गई थी लड़का ढूंढने, पर मुझे कोई मिला ही नहीं. तो एक काम कर, तू पलंग पे आ जाओ. कम ऑन. बेस्ट. ये ले, घाघरा पहन ले, टांगे खोलने में आसानी होगी. Why are you doing this to me, guys? Please. मुन्ने एक और छोरी दे दे. उसे भी दंगल में भेजना है. हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के? इंडिया के लिए एक और गोल्ड आ जाएगा. हाँ. अरे आवाज निकालो. ऐसे निकलेगा बच्चा. बारिश तुमसे गुस्सा. ऐसे निकालते क्या? I can see the head. उदय जीरो, स्त्री रोग विभाग, सिक्सर. पल्मोनरी में ही होता है. एवरीवेयर एल्स देयर इज बैड ब्लड. आई वाज लाइक माना, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगे ना आर्गुमेंट जीतने के लिए, देन फॉर श्योर देयर विल बी बैड ब्लड बिटवीन अस. क्या हो गया भाई? जनानियों ने मिलकर ले ली मेरी दादा. जनानियों ने ले ली और तुमने दे भी दी. सीनियर्स थी, क्या करता. तो तुम कौन सा रुकने वाले हो? अगले साल एग्जाम देकर निकल जाओगे. यार तुम भी सुना देते लपक के. तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है, सारा गुस्सा अंदर भरे रहते हो. एक काम करो, ये जो गुस्से के प्रेशर से जो तेल बना है ना अंदर, कल उसे छिड़क के माचिस दिखा देना. कल क्यों? मतलब अभी छिड़क कर माचिस दिखाता हूं. किसे लगा रहे हो? रिचा. हेलो उदय. चैन की नींद सो रही थी. उदय क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तू खराटे मार रही है. क्या बकवास कर रहे हो? मैं डिपार्टमेंट में हूँ. तुझे क्या लगता है मुझे तेरी बात सुनाई नहीं देती? लड़कियों की बात मेरे संपट नहीं बैठती. तेरी वजह से सारी जिंदगी जनानियों की बातें सुननी पड़ेंगी मुझे. मेरी वजह से? पता है क्यों? तेरे चक्कर में रैंक चूस ली तूने मेरी. What?
घूमी फिरी मेरे साथ, टाइम खा गई मेरा, खुद की रैंक ले आई। तुमने पी रखी है? मैं फोन रख रही हूँ। रैंक पेल दी, करियर बर्बाद कर दिया मेरा। उदय आखिरी बार हम बात कर रहे हैं, दोबारा फोन मत करना मुझे वरना पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। उखाड़ ले जो उखाड़ना। बिल्कुल सही किया, हल्का हुआ ना दिल। अब कल से तैयारी शुरू करो, लीव एप्लीकेशन डालो और घर पर बैठो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, इनकी फाइल। कैसा लग रहा है शांति देवी? जी ठीक है। इस पेशेंट की प्रोग्नोसिस कौन बताए मैम? यू मम्मी? यस लास्ट वन स्टैंडिंग यू। Mom, it really depends. On what? On the condition of the patient, I guess. इन्हीं से पूछ लेते हैं ना। क्यों शांति देवी? जी। आप क्या पसंद करेंगे? सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी? मैम यूरिन इज शोइंग ग्रेड 3 प्रोटीन। दिस इज पेशेंट्स थर्ड ट्राइमेस्टर और ब्लड प्रेशर काउंट इज 140/100। प्री एक्लिम्शिया के चांसेस हैं, सो डेफिनेटली मैम सी सेक्शन। गुड, ठीक है, आप असिस्ट करेंगे और आप जो राउंड्स के बाद नहीं। आप यहाँ क्यों आए? मैम आपने बुलाया? नहीं, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्यों आए? ओह, बिकॉज़ इट इज इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट अ हॉबी क्लास। बीएसडीएम रैंक 655। वैसे 500 के नीचे के रैंक पहली बार इस डिपार्टमेंट में देख रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए जो सिर्फ टाइम पास के लिए आता हो। आई एम एक्चुअली आई एम अ गुड स्टूडेंट। वो क्या हुआ ना कि वो और डॉक्टर को डॉक्टर की तरह दिखना भी जरूरी है। यहाँ डॉक्टर की जरूरत है, रॉक स्टार की नहीं। यू हैव अ लॉट टू कैच अप। सिर्फ एक बात याद रखिए कि मुझे मेरी क्लास में माँ बीमार है, शी नीड्स अर्जेंट ट्रीटमेंट इन दिल्ली। तो कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए होगी मैम। क्या हुआ उन्हें? हार्ट कंडीशन, कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम है, अनस्टेबल एंजाइना। तो दिल्ली क्यों आप उन्हें इस हॉस्पिटल में ले आई? डॉक्टर परिहार इज अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट। मैं खुद उनका चेकअप करवाऊंगी। यू कैन लीव। थैंक यू मैम। उदय यार ये तो उल्टा पड़ गया। तू अभी भी ऑर्थो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई? पता है 10th के प्री बोर्ड से पहले मैं साइकिल से गिर गया था, राइट हैंड टूट गया था मेरा। किसी तरह बाएं हाथ से लिख के पास तो हो गया प्री बोर्ड में। अगर बोर्ड में बाएं हाथ से लिखना पड़ता ना तो आज इतवारे पे ठेला खचोर रहा होता। मेरे दूर के ताऊजी के बड़े लड़के हैं ना, अशोक दादा, ऑर्थोपेडिशियन, उनने इलाज किया था मेरा। कहने लगे बेटा शाबाश, इतनी मेहनत करके तुम पास तो हो गए प्री बोर्ड में, लेकिन तुमसे वादा करता हूं बोर्ड में तुम राइट हैंड से लिखोगे। अशोक दादा को देखकर डिसाइड किया था मैंने कि इंटर में बायो लूंगा और ऑर्थोपेडिशियन बनूंगा। बोर्ड्स में मेरे 66% आए थे। बाप ने बोला बीएससी कर लो, मेडिकल नहीं निकलेगा तुमसे। मैंने बीएससी ज्वाइन की, मेडिकल की तैयारी करते करते बीएससी खत्म हो गया पर मेडिकल नहीं निकला। अब आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। मैं बस ऐसी बता रही हूँ, कोई खास आउटकम नहीं है मेरी कहानी का। अच्छा भाई,
बात करो मम्मी से रेंट के बारे में यार। चुप बे। प्लीज डू इट फॉर मी। डिलीवरी के टाइम अगर कट्स लगाए गए हों, देन इट हैज टू बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। बिल्कुल। सुई से बहुत डर लगता है। हाँ, इतनी छोटी सी सुई से डर लगता है? अपने पति से जो इतना बड़ा इंजेक्शन लिया था तब, तब डर नहीं लगा था? डायलिटेशन मेजरमेंट गलत है। बेसिक्स डॉक्टर गुप्ता, बेसिक्स। इडियट। उसको चेक कर। शिट। लीडरबोर्ड पे ऊपर आने का प्लान बना रहे हो? नहीं, मैं इस डिपार्टमेंट में बहुत नीचे जाने का प्लान बना रहा हूँ ताकि मेरा कोई काम ही ना हो। Like a vestigial organ in a human body. Like your nipples. ये क्यों है? Actually, we should call him Dr. Nipples. I love that. Dr. Nipples. Hi, I'm Dr. Fatima. And that's KLPD. Please, अपने दिमाग को मां जाने मत दो. Of course not. अगर तुमने किसी को धोखा दिया होता तो प्रेग्नेंट कैसे होती? शाबाश KLPD कुमुदलता अमूल पार्थी दिवाकरन। वैसे आई एम ग्लैड यू डिडंट टेक एनी ऑफ दैट मस्ती सीरियसली। अरे नो नो, नॉट एट ऑल। ट्रिपलिंग वो भी इसके साथ हो पाएगी? मिस्टर निपल्स, रायपुर में अभी एक औरत ने 5 बच्चे एक साथ दिए हैं। तुम ट्रिपलिंग से डर रहे हो? और सुनो, ज्यादा झटके मारने की जरूरत नहीं है, फातिमा ऑलरेडी एंगेज है। यार ये कैंसर डिपार्टमेंट को करक रोग विभाग कहते हैं क्योंकि कैंसर करक एक रोग है, राइट? गायनेक डिपार्टमेंट को स्त्री रोग विभाग क्यों कहते हैं? जैसे स्त्री कोई रोग है? अब ये बगड़ तो सोच नहीं मैंने। नाम चेंज करा लो अपने डिपार्टमेंट का। क्या आंटी, अच्छे लग रहे हैं बाल आपके। थैंक यू। पहले जैसे ही तो है। अच्छा, गर्लफ्रेंड कैसी है तुम्हारी? कौन गर्लफ्रेंड? रिचा। फेसबुक पे फोटो देखी थी दोनों की। फोटो पे कमेंट था चड्डी का, तुम दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हो। गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी। डॉक्टर डॉक्टर खेलने का मतलब अच्छे से पता है उन्हें। अगर ब्रेकअप हो गया हो तो कोई और मिल जाएगी। टिंडर डाउनलोड कर लो तुम। क्या टिंडर होता है? उस पे लोग मिलते हैं। कहाँ से सीख रही हो तुम ये सब? टिंडर पे तुम्हें पता भी किस टाइप की लड़कियां होती हैं? जिस टाइप के लड़के होते होंगे उसी टाइप की लड़कियां होती होंगी, और क्या। ठीक है मम्मी, तुम कर लो टिंडर डाउनलोड, मेरी फोटो लगा लेना, मेरे लिए तुम लड़कियां ढूंढना वहां पर, ठीक है? आंटी, तुम रेंट दो पहले नंगू पटेल, रेंट मांगो इनसे। मैंने कर लिया टिंडर डाउनलोड। अच्छा किया। देख तो लो कैसी लग रही है फोटो। जाना है मुझे फ्रेशर पार्टी पे। अपनी फोटो लगाई है मैंने। डॉक्टर निपल्स, यहाँ क्यों खड़े हो वेस्टिजियल ऑर्गन बनके? यहाँ तो यूजफुल हो जाओ। आई डोंट नो हाउ टू डांस। इसे क्यों परेशान कर रहे हो? इसको नचाने के लिए तो पूरा साल पड़ा है। तू ना यही रह, वहाँ कंफर्टेबल हो जाएगा। फातिमा तू चल, तुझे एंगेजमेंट से पहले डांस प्रैक्टिस करा देता हूँ। लेट्स गो। कम कम कम। और सर जी क्या हो रहा है? कहो तो म्यूजिक चेंज करा दे। शाहजहां, जो प्रशांत रस्तोगी था
उसे कहीं और एडमिशन मिल गया था कि सच में चढ़ावा हुआ था? चढ़ावा ही हुआ था सर जी। वैसे लौता मैं ही ऐसा मर्द हूँ ना जो अभी तक टिका हूँ, और कोई होता तो पहले कट लिया होता। तुम्हारा और जेनी का क्या रोमांस चल रहा है? सीनियर है जो बेफालतू में खुंदा खाई बैठी है, डर लगता है कि चढ़ावा ना चढ़ा दे मेरे। सो पैचअप करा दो ना मेरी उसके साथ। अरे मैं कैसे करा दूं? तुम जाके सॉरी बोल दो उससे। इट्स ऑकवर्ड यार, सॉरी बोलने से यू नो व्हाट आई मीन। बेटा सॉरी बोल दोगे ना तो ऑकवर्ड होना बंद हो जाएगा। अरे आओ। हाय। हाय। ये आरिफ मेरा मंगेतर। आरिफ दैट्स उदय माय जूनियर। गायनी में। बाय। इसने खुद चूज किया है। देख डॉक्टर आ गया। सुनीता इनका स्टेटस। अरे उसे पहले ले जाएगा डिलीवरी कराने, चिल्लाना। अम्मा अम्मा। अरे जोर जोर से चिल्लाना, तो तुझसे पहले उसको ले जाएगा डॉक्टर। जेनी मेरी हेल्प कर दो प्लीज, डायलेटेशन चेक कर दो प्लीज। मैं कर दी थी पर मेरे पास टाइम नहीं है, एक को मैट्रिमोनी में प्रोफाइल बनानी है। सुनीता हेल्प कर दो ना यार, चेक कर दो इनका प्लीज। जब दरवाजा खुलेगा तब बच्चा बाहर आएगा। चिल्लाने से सिर्फ गला साफ होगा, बच्चा दानी नहीं। उनको क्या देख रही हो? उनको देखने से कुछ नहीं होगा, ये डॉक्टर नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। तकलीफ? एक मिनट, डॉक्टर नंदिनी ने बुलाया ओटी में। मुझे नहीं, वो हरी साड़ी वाली आंटी है ना, उन्हें। हाँ बोलो। हेलो मैम। हेलो मैम। डॉक्टर शुक्ला इन्हें बताइए आज हम क्या करने जा रहे हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज डीएनसी। और उसका क्या पर्पज होता है? मैम डीएनसी अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आप में और एक वार्ड बॉय में क्या फर्क है? डीएनसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अबॉर्शन के लिए डीएनई करते हैं। पर ऑर्थोपेडिक पढ़कर तो ये आपको नहीं पता चलेगा ना। ऑर्थो के लिए अगले साल आप दोबारा एंट्रेंस देंगे, यहाँ सिर्फ सेफ्टी के लिए एक सीट रिजर्व करके रखी है। क्यों? अब गायनेकोलॉजी क्यों नहीं करना चाहते? मैम मेल गायनेकोलॉजिस्ट डोंट डू वेल, हमेशा वो फीमेल डॉक्टर प्रेफर करते हैं। मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। पेशेंट्स ऐसा नहीं सोचते ना। पहले आप तो ऐसा सोचिए, यू हैव टू लूज द मेल टच और अपने अंदर डॉक्टर टच रहे।
अगर आपने ये सीट बीच में छोड़ दी तो ये सीट 3 साल तक खाली रहेगी एंड आई कांट अफोर्ड दैट। आपको आपका करियर बनाना है, पेशर बनाइए, लेकिन 3 साल के बाद। जब तक आप यहाँ हैं आपका पूरा डेडिकेशन यहाँ होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैं ऐसा टोल्ड ली हूँ, मेरी माँ बीमार है। दिखाने तो लाए नहीं आपने। उदय 0, स्त्रीरोग विभाग 0। अरे मेल टच क्या होता है बे? आया समझ में? वो आदमी औरत को छुएगा तो अजीब तो लगेगा ना? नहीं, क्यों लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगाना है। फिर क्या लगाना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाना है। अभी तेरी मम्मी ने अपने फोटो पे कमेंट किया है। तुम लोग शैतानी करते हो, कपड़े गंदे होते हैं, धोने हमको पड़ते हैं। तुमने मम्मी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली? इसीलिए। गुड्डू नीचे आओ। हाँ मम्मी। क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? भाई सेल्फी खींच दो जरा। तो तैयार हो के? कोई किट्टी विट्टी है क्या? अच्छा यहाँ से खींचना, फिर हम थोड़े कम मोटे लगेंगे ऐसा साइड से। खींच क्यों रही हो? तुम हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो तो तुम्हें पता चलेगा। अरे तुम मम्मी मेरे दोस्तों को ऐड करना बंद करो, उल्टे सीधे कमेंट डालती रहती हो। अच्छा सॉरी, मैं सीख रही हूँ ना, तुम एक दिन बैठ जाओ जरा हमारे साथ, सिखा दो ना हमें। तो फेसबुक पे डालोगी? हाँ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और टिंडर पे भी। अनजान मर्दों के साथ? किचन कैप्टन में भी तो अनजान लोगों के साथ काम करेंगे तो वो भी नहीं करे फिर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मम्मी, मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि तुम लड़कियों के भुगतान देखते हो तो फिर क्या सोचेंगे? मैम आप कुछ कर दीजिए, मुझे बस लड़का चाहिए। ऐसा करो, इन पैसों से ना एक लॉटरी की टिकट खरीदो, आजकल लड़के उसी से निकलने हैं। मैम आप मजाक कर रही हैं। नहीं मजाक आप कर रहे हैं मेरे साथ, भयानक। अरे जाइए जाइए, मेरे मुंह ताकने से लड़का नहीं हो। कुसुम साहू? पप्पू साहू आइए जी, बताइए। कोई और डॉक्टर नहीं है? अभी तो और कोई नहीं है, मुझसे काम चलाना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रही हो, हम क्या कर सकते हैं? बच्चा पैदा कर पाती तो आना ही नहीं पड़ता। हेलो है क्या? अबे जोर से बोलो, साले पेमेंट उठाए कि नहीं? हाँ वो तुमको बत्ती दे रहा है, वे बत्ती तुम हमको दे रहे हो? हैं उधर ले लीजिए जय। पहले अंडर गारमेंट उतार लीजिए जी। या इधर नहीं, पर्दे के पीछे। कपड़ा ऊपर करिए। हाँ? कपड़ा ऊपर करिए और करिए। हाँ पैर फैलाइए और फैलाइए, चेकअप कैसे करूंगा? फैलाइए। एक मिनट, फोन रख, फोन रख, फोन रख। ए ए क्या हो रहा है? चेकअप कर राम खोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ? पागल हो गया क्या तू? सुनो डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। हटो, बहुत लेट आ रही है। हटो, अरे कट्टा उछेड़ के मारूंगा मुझे। आई बता क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या गुंडागर्दी तुम्हारे अस्पताल में चल रही है गुंडागर्दी? ये आदमी अंदर मेरी बीवी के साथ? बीवी के साथ क्या?
दिखाने लाए थे ना, तो देखेंगे नहीं? अरे पर हमें लेडीज डॉक्टर चाहिए था मैडम। तो सरकारी में क्यों आए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते। अब जो डॉक्टर है वही देखेगा ना। और आप चुप रहिए जरा, एकदम चुप। बच्चा नीचे से पैदा होता है तो नीचे ही देखेंगे ना, शक्ल तो देखेंगे नहीं आपकी। तमाशा चल रहा है, चलिए। क्या हुआ मैम? मैम मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस रेगुलर चेकअप कर रहा था और कुछ नहीं किया मैंने। वहां कोई नर्स नहीं दिखी आपको? आई एम सॉरी, जस्ट मेरी गलती है। एक्चुअली हम सबकी गलती है। आई अपोलोजाइज ऑन आवर बिहाफ। आपको कुछ नहीं आता, उनको समझना चाहिए था। आपकी उंगली पकड़कर हर चीज आपको बेसिक से सिखानी है। पढ़िए कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। MBBS में तो नहीं पढ़ा होगा ना आपने? जब एक फीमेल पेशेंट को एक मेल डॉक्टर चेकअप करता है तो एक फीमेल सबॉर्डिनेट का होना जरूरी है। मैम, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू। अगर उन दोनों ने कंप्लेन की तो इस हॉस्पिटल का और इस डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा, सिर्फ आपकी वजह से। लीव। इलाज से पहले जरूरी है कि पेशेंट तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करे। उनसे बातें करो, उनको थोड़ा इजी फील कराओ। कम ट्राई। डॉक्टर साहब, एक टाक का एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, वो पिछली डिलीवरी के बाद कुछ ढीला रह गया था, मेरे शौहर शिकायत कर रहे थे। डॉक्टर उदय गुप्ता, एक आध नाइट ड्यूटी भी दे दो, एक बैल क्या मिल गया, हर गाय दुटा रुक गई। क्या बड़बड़ाते रहते हो यार पूरा दिन। क्या बताऊं यार, जब से डॉक्टर नंदनी से ये लेक्चर मिला है ना मेल टच पे, तब से मेरे निप्पल से दूध आने लगा। यार मेल टच तब इस्तेमाल में लाऊंगा जब कोई पेशेंट छूने देगी। अगर गायनी बन गया ना, अपने एक क्लिनिक में आम पे ढेर की तरह यूं लटका रहूंगा। एक और वेस्टिजियल ऑर्गन। वैसे तुम्हें पता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स उतने भी यूजलेस नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल फोरस्किन, कई लोग उसे वेस्टिजियल ऑर्गन समझते हैं, मतलब तुम्हें लगता है कि पेशेंट्स नहीं मिलेंगे? नहीं, हमारे मोहल्ले में ना लड़के क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां बैडमिंटन। मतलब कुछ चीज लड़कों को सूट नहीं करती है, यू नो। तुमने भी अगर उन लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेला होता ना, तो आज ऐसी बेकार बातें नहीं करते। नाइट ड्यूटी कर दो। चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं। सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है? करूं क्या यार इस इश्क में दिल पे न चलती है। लपाटों के साथ फटे मारे, एक लड़की थी पूरे बैच में उसके साथ मुझे प्यार-व्यार हो गया और उसने तेरे दिल का फालूदा बना दिया। नहीं वो नहीं, मतलब एक बात बोलती थी वो कि अपन को ना लड़कियों की बात सुनाई नहीं देती। एंड यू नो व्हाट, शी वाज राइट, मुझे सच में लड़कियों की बात सुनाई नहीं देती थी। इतना बड़ा व्हाट इज योर पॉइंट? द पॉइंट इज मैंने मोहल्ले में ना लड़कों के साथ क्रिकेट तो बहुत खेला पर लड़कियों के साथ बैडमिंटन नहीं खेला। अगर खेला होता ना तो आज तेरे को ना सॉरी बोलते इतना वियर्ड ऑकवर्ड फील ना कर रहा होता मैं। नहीं सुनना, सॉरी यार, माफ कर दे। इट्स ओके, होता है, ये कूल। हाँ।
जीने की मैं जो वजह ढूंढता था, रहने की जिसमें जगह ढूंढता था, तू ही तो है वो, तू ही तो है ओ, सपनों में जिसकी अदा देखता था, सितारों पे जिसकी दुआ भेजता था, तू ही तो है वो, तू ही तो है, तू दूर जरा सा हो जाए तो जान मेरी निकलती है, हर जगह तू मुझे दिखे मेरी क्या गलती है, करूं क्या यार इस इश्क में दिल पे न चलती है, हर जगह तू मुझे दिखे मेरी क्या गलती है, करूं क्या यार इस इश्क में दिल पे न चलती है। कुछ हुआ तुम लोगों के बीच अभी तक? बाबा और ये बता दिया तो खिलाड़ी क्या और अनाड़ी क्या? तुमने सोच लिया आंटी से बात करने का इसके बारे में हैं? भाई मुस्लिम है भाई, लेकिन अपने यहाँ कोई पंगा नहीं है। हाँ और क्या, हमें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुट्टू खाके बताओ कैसा है। बिल्कुल पोहा जैसा। तो करो तो पास्ता है वो, उसमें भी कड़ी पत्ता डलता है क्या? तो छोके के बिना कैसे अंग्रेजी खाने में स्वाद आएगा ना गुड्डू। तो अंग्रेजी मत बनाओ, पोहा ही बना लो। पोहा बना के शेफ कैसे बनेंगे? तुम खाओ सर। आना कि ना आंटी हमको खिला तो चौमिन बनाएंगे, तुम्हारा चौमिन हम खिलाओ। क्या हाल? Hi, what's up? अरे यार मुझे ना एक MTP के लिए वापस पहुंचना है, तो मैं बाद में बात करती हूँ, प्लीज। अरे वहाँ पेशेंट गाली निकाल रहे हैं, तुम इग्नोर मार रही हो। सॉरी, वो उस दिन के बाद से थोड़ा ऑकवर्ड हो गया ना। Really? अच्छा, but I have to go now. अरे where I have to go? मैडम क्या चल रहा है हमारे बीच? तो hot and cold क्यों बिहेव कर रही हो? उदय, I really want you in my life. तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। I don't want to lie, I have no intention of hurting you. पर उस दिन जो ये जो हम हमारे बीच relationship? No. Kiss. That was amazing. No. I mean, it was. मुझे पता था। उदय सच ये है कि आर व्हाट? क्या? आरिफ या आरिफ। उदय, I'm getting engaged to him. And I'm pretty sure that I want to be with him. तो अब ये सब हम बंद करते हैं, नहीं तो later on तुम्हें hurt होगा। मुझे hurt नहीं होगा। I'm okay. You're okay मतलब? मतलब सब सही है। जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। मतलब तुम्हें सिर्फ मजे चाहिए। तुम्हें शादी वादी करनी है क्या मुझसे? नहीं ना, तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? ग्रेट, तभी तो बोल रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने सही कहा था, तुम्हें लड़कियों की बात सुनाई नहीं देती। Thank you.
ओपीडी में तुमने देखा, तुम्हारी पेशेंट है तो तुम्हें ही बुलाऊंगी ना। अभी चीखे मार मार के कान से खून निकाल दिया मेरे। यार वो औरत एक घंटे से ड्रामा कर रही है, वैलिडेशन चेक करो, कुछ नहीं निकलने वाला, बता रहा हूँ। हाँ उदय। हाय। मैं आरिफ, हम पहले मिल चुके हैं एक दफा, मैं फातिमा का होने वाला मंगेतर। हाँ वो कम सिट। अब लंच? थैंक यू। पक्का? आप और फातिमा शायद ही मेडिकल कैंप में साथ में गए। यस यस, या वी वर देयर, मेडिकल कैंप गए थे। एब्सोल्युटली राइट। यस यस, काफी टाइम स्पेंड किया वहाँ। हाँ, पेशेंट्स के साथ। दे वर वेरी हैप्पी विद अस। श्योर। एक दूसरे के साथ भी काफी टाइम स्पेंड। हाँ, आई एम सो स्टूपिड, किया ना, मतलब लंच बंच पे जाते थे जस्ट लाइक दिस। आजकल नजर नहीं आ रही फातिमा, जब से आए लंच साथ में वो ही नहीं। नॉर्मली यहीं पे होती है। काफी अच्छे इंसान है। I'm so sorry. No, it's okay, it's okay. आपकी शर्ट पे लग गए हो। कोई बात नहीं। पता है मैं जब भी फातिमा को पूछता हूँ कहाँ हो तो कहती उदय के साथ। किससे बात कर रही हो उदय से? किसका टेक्स्ट आया उदय का? कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया, एक्चुअली वो रोने लगी और बताया कि आप दोनों की किस हो गई। मैंने कहा यार अगर आप किसी और को लाइक करने लगे हो ना तो फैमिली प्रेशर में आके एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू नो मैं कोई हम दिल के चुके सनम गाजे दिव्य नहीं बन रहा हूँ, बट इफ यू लाइक समबडी एल्स लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम, यू नो। पर किसी कंक्लूजन पे आने से पहले मुझे लगा एक दफ़ा आपसे पूछ लूँगी, अगर कुछ सीरियस तो नहीं। श्योर श्योर श्योर, गो गो। हेलो यार सुनीता। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। होल्ड ऑन। अरे भाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आप चिल रहो ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एंगेजमेंट। थैंक यू। बहुत दुख रही है। वो तो होगा ही, आपको भी टाइम लगेगा, वैसे भी लेबर रूम में बहुत लाइन लगी पड़ी है। रुकिए रुकिए। डॉक्टर साहब सुनिए तो। डॉक्टर साहब देख लीजिए ना। डॉक्टर साहब रुकिए रुकिए सुनिए तो। डॉक्टर साहब एक बार कहाँ जा रही हो? डॉक्टर साहब बहुत दुख रही है, सुनिता लगता आने वाला है। अरे यहाँ नहीं, क्या कर रही हैं आप यहाँ? सच्चे सामने डॉक्टर साहब बहुत दुख रही है। अम्मा अरे डॉक्टर लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो लीकिंग हो रही है। चरखी के बुलाने पे डायलिटेशन हो रही है क्या? प्रेसिपिटेट लिवर है। पहले भी हो चुका है इसे। प्रेसिपिटेट हुआ तो बच्चा अभी आ जाएगा। चलो लेबर रूम चलना पड़ेगा। चलो लेबर रूम करना। चलो चलो चलेगा उसे। चलिए और वहां करेगा कौन डिलीवरी? तुम और कोई दिख रहा है? चलो बस पहुंच गया। संभल के आराम से। वार्ड बॉय मैं स्ट्रेचर लेके आता हूं। स्टेचर नहीं डिलीवरी टेले करो, क्राउडिंग हो रही है। हाँ डिलीवरी यहीं करनी पड़ेगी। या हाँ तुम पागल हो गए हो? सांस लो हाँ। शाहजहाँ वार्ड के सामने जल्दी से डिलीवरी टेले कराओ। हाँ अभी अभी जोर नहीं लगाना, आराम से धीमे सांस लो। यहाँ डिलीवरी हो जाएगी डॉक्टर? चाची हाँ, ये बड़े डॉक्टर साहब ये संभाल लेंगे। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। जोर नहीं लगाना है, मुझे दिख रहा है बच्चा। बस हो गया हो गया, बस 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 बस। था ना मैंने संभाल लेंगे। Just Dr. Uday Gupta, please say a few words. बोलो भाई, पहली बार अम्बिलिकल कॉर्ड काटी है तुमने, कैसा लग रहा है?
मेरी टाइमलाइन पे ना बहुत दोस्त हैं, उनकी शादी हो गई है, अपने बच्चों की फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते हैं। मुझे खुंदक आती है कि क्या है, बच्चा ही तो है। कोई मार्स पे मिली एलियन लाइफ तो है नहीं जिसको देखकर सब बोल रहे हैं ओ सो क्यूट। लेकिन आज डिलीवरी के बाद ना ऐसी फीलिंग आई कि शिट यार, इसका वीडियो होना चाहिए था। नॉट बैड उदय, है ना? क्या चल रहा है मैम? वो उदय ने अपनी पहली डिलीवरी की है इंडिपेंडेंटली, सो वी वर जस्ट सेलिब्रेटिंग। अपनी ड्यूटी करने के लिए आपको मिठाई मिलती है। कुमुद, आपने मिठाई खाई थी? मैम, उदय का है इसलिए। उदय का है तो? क्योंकि उदय लड़का है या फिर वो इनकॉम्पिटेंट है इसलिए? आपको तो बहुत सारी डिफिकल्टीज उठानी पड़ी होंगी ना, क्योंकि आप लड़के हैं। इतनी डिफिकल्टी के साथ आपने ये डिलीवरी की कॉरिडोर में, भेड़ बकरियों की तरह 50 लोगों के सामने। मैम, स्पेशल केस था। ऑब्वियसली स्पेशल केस था, क्योंकि इन्होंने डायलिटेशन चेक नहीं किया टाइम पे। मैम, सुनीता ने किया था डायलिटेशन चेक। डॉक्टर सुनीता है या आप? और ये वजाइना देखने में क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? कान में हाथ घुसेर के देख सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में हाथ डालकर देख सकते हैं, तो ये वजाइना का क्या इतना बड़ा हुआ बना रखा है? मैम, मुझसे ज्यादा तो पेशेंट घबराते हैं मेरे पास आने में। मैम, यू टेल मी ऑनेस्टली कि आप अपना एग्जामिनेशन मुझसे करवाती? I'll tell you honestly, मैं अपना एग्जामिनेशन आपसे करवाती अगर आप एक कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट होते तो। मेनी ऑफ द टॉप गायनेकोलॉजिस्ट इन दिस कंट्री आर मेल। मैम, जो आप बोल रही हैं, इट्स नॉट फेयर। नो, जो आप इस डिपार्टमेंट पे कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर। ओ बाय द वे, पप्पू साहू और उसकी बीवी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन की है, इंक्वायरी होगी। डॉक्टर उदय, चलो। अरे चलो तो। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बार अंदर तो आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को बचाने के लिए बहुत आभारी हैं आपके। ये हमारा तीसरा गर्भ था, पहले दो बच्चे बच नहीं पाए। डॉक्टर साहब, एक बार उसका हाथ तो देखिए। बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखते हैं। उदय वन, स्त्री रोग विभाग, व्हाटएवर। जस्ट लकी के उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। आपने पेशेंट को एग्जामिन करते वक्त कमरे में किसी भी फीमेल को नहीं रखा, दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल। और आज सुनने में आया है आपने एक और कारनामे को अंजाम दिया। Anyway, what's going to happen now is that each one of your colleagues will be called separately for questioning by the disciplinary committee. But before that happens, main aapse milna chahta tha. Kya aapko kuch kehna hai? Sir, I'm very well aware ki maine galti ki hai. But I got distracted because of my NEET PG exams. But now I'm committed, sir. वैसे आपको गायनी पसंद क्यों नहीं है? आप जानते हैं, मुझसे पहले जो यहाँ दो डीन्स थे वो दोनों गायनेक्स थे। यस सर। सर, बट आप तो बोलिए। नथिंग सर। बोलिए। वो कहना चाह रहे हैं कि आप तो ऑर्थोपेडिशियन हैं।
तो आप कह रही हैं उनसे कोई गलती नहीं हुई? सर उस दिन नेग्लिजेंस हुई है, बट दी ओपीडी वाज सीवियरली अंडरस्टाफ्ड, और जब उदय ने आने आया था वो बहुत अनकंफर्टेबल था, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता था, अजीब सा था, इनफैक्ट मुझे भी एक नंबर का गधा ही लगता था वो। हमारे डिपार्टमेंट में ये कभी कभी होता है, फीमेल्स आती हैं बहुत जोर जोर से शोर मचाती हैं जस्ट टू गेट इन टू द लेबर रूम। आपने कभी उनके साथ काम किया है? रिसेंटली ही एक कपल आया था जो काफ़ी सालों से कंसीव करने की कोशिश कर रहा था, एंड डॉक्टर उदय ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस केस को हैंडल किया। ओवर टाइम उसने प्रोग्रेस दिखाई है, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव। मैम आपको तो पता ही आजकल पेशेंट्स का क्या है, आए दिन डॉक्टर्स को मार के चले जाते हैं। यस, डॉक्टर उदय ने डायलिटेशन चेक करने में लेट किया था, बट वंस ही डिड इट ही वॉज लाइटनिंग फास्ट, लाइक रजनीकांत एक्शन सीन विसल पोड़। मैडम आपकी शादी का तो दूसरा योग है। लिस्ट फिर से देख। अरे कसम खुदा की बता रही हूँ मैडम, रिपोर्ट्स के हिसाब से आपके सीमन काउंट और वजाइनल कैविटी में कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते रहिए, बच्चा जरूर होगा। पिछले 1.5 साल से कोशिश ही तो कर रही हूँ। हाँ तो लक का भी खेल होता है डॉक्टर साहब। मान ले कि अपन अर्जुन है नहीं, कि एक ही बार में मछली की आंख में निशाना साधे, लेकिन एक साल में 116 बार निशाना साधे, समझ में आ रहा है आपको? आप गिन रहे हैं? अरे कितनी बार तो गिनना भूल जाते हैं डॉक्टर साहब, 116 बार से ज्यादा ही होगा है। सुना आप कोई दवाई लिख दीजिए। कोई दवा नहीं देख सकता आप, बिल्कुल ठीक है। अरे अपन को नहीं भाई, इनको, अपन का तो सब ठीक ही है। वो भी बिल्कुल ठीक ही है, मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर भी ट्राई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। चलो चलो। यहाँ बाथरूम कहाँ है? आगे से लेफ्ट लॉबी से ले लीजिए आप। इन्हें सही जगह पता नहीं है, ये गलत जगह घुस जाते हैं। मिसेस के सामने कहना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बातें मर्दों के बीच ही रहनी चाहिए। जी बोलिए। हम मर्दों की आदत है कि अपने हिसाब से काम करते हैं, कुछ पूछ के गया तो मर्द किस बात के, है ना? सही बात है डॉक्टर, पर इस बात का नुकसान भी होता है, और आपको तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। कैसा नुकसान डॉक्टर? जगदीश भाई आपके पास जाने के लिए ना दो दरवाजे थे, अगर पूछ के जाते ना तो गलत दरवाजे नहीं जाते ना। क्या पूछ के जाते? कि कौन से दरवाजे जाना था, कौन से दरवाजे? मेरे दरवाजे से जाना तो पूछ रहे हो कौन से दरवाजे से जाना? वो लेडी डॉक्टर है, तुम्हारी मिसेस के साथ है, उन्होंने उनको समझा दिया है कि बच्चा पैदा करने के लिए उचित दरवाजा कौन सा है। जगदीश भाई कुछ चीजें ना पूछ कर करनी चाहिए, ठीक है? मुझे सिर्फ ब्राउनी में निपटा रहे हो? हाँ, फातिमा को थैंक यू बोलने के लिए शैंपेन की बॉटल खोली होगी पक्का। उसके लिए तो मैं थैनोस से लड़के इन्फिनिटी स्टोन ले आऊं, पर मैडम को तो शायद किसी और का स्टोन अपनी अंगूठी पे चढ़ाना है। बेटा उस एक शायद पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने आधा यूनिवर्स दांव पे लगा दिया था, तो अगर वो चिन्न चिन्न शायद है तेरे दिमाग में तो लगा दांव। हाय हाय यार उदय, मैंने तो सिर्फ सच बोला था डीन के सामने जाके, इतनी बड़ी ट्रीट क्यों दे रहे हो? कम के कूल डूड उदय एट redismail.com। दिस इज सो लेम। कुछ भी नहीं, स्कूल में लड़कों को 10-10 रुपए देके 118 टेस्टिमोनियल डिक्टेट करवाए थे ऑर्कुट पे। हे राम, कितनी गंदे इंसान हो।
उफ अल्लाह, फातिमा सिद्दीकी तुम्हारे मुंह से हेराम सुनकर कितना क्यूट लग रहा है। अरे मैं ना तुम्हारे कुछ लेकर आई थी। What is this? देखो तो। और तो? इसके फर्स्ट पेज पे तुम्हारे लिए कुछ लिखा है मैंने। घर जाके पढ़ूंगा। अरे खोलो ना फर्स्ट पेज। फातिमा। अरे खोलो ना यार। No, 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 listen to me. I want to tell you something. You know, मैं कह रहा था कि मम्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिलवाओ हमें इनसे। हेलो, हम गुड्डू की मम्मी हैं। नमस्ते आंटी, मैं फातिमा। हाँ हाँ, हमको पता है, हमको पता है फातिमा। ये बहुत बात करते हैं तुम्हारे बारे में, बात ही करेंगे। ये नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं थी आंटी, मैं कोई नहीं। गुड्डू ने तो बहुत नाम जपा है तुम्हारा घर पे, है ना? ये अंकल कौन है मम्मी? कौन? ये तो दोस्त हैं, आम मिलवाने वाले थे इनको तुमसे। ये गुड्डू है, ये विनोद। बाय, मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी है। बाय। इतनी जल्दी? बैठ जाओ अंकल के साथ। फातिमा, 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 व्हाट हैपेंड? तुम अपने दिमाग में क्या पका रहे हो? वही जो हमारे बीच में पक रहा है वो पका रहा हूँ। क्या पक रहा है हमारे बीच? क्या पक रहा है हमारे बीच? You only told me ना that you want me in your life. Yes, as a friend, as a friend. पता है उदय, जब आरिफ तुमसे मिला था तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। पता नहीं तुम क्या क्या बोलोगे, कितना बढ़ा चढ़ा के बोलोगे कि हमारे बीच क्या क्या हुआ। And I was so goddamn happy जब तुमने उसे कहा congratulations for your engagement। मुझे लगा thank God I haven't lost a friend। Please don't spoil that। Spoil what? Spoil what? You tell me। Spoil तो तुम्हारा ही होता है ना, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। आज तुम्हारा मन है तो कंधे पे सर रख के सो जाओगे, डिपार्टमेंट में सबके सामने मिठाई निकाल कर अपने हाथों से खिलाओगे, बाइक चलाते हो, ट्रिपलिंग करते हो, पीछे चिपक के बैठ जाओगे। और मन नहीं है तो आरिफ, और ना जाने कितने इफ्स एंड बट्स एंड एल्स। तुम लड़कियों की बात ना मुझे समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती, जीरो समझ नहीं आती। यू नो व्हाट, भाड़ में जाओ तुम। अरे जीवन के ट्रेजिक ड्रामे का ड्रिप गिरेगा, तेरे पैरों में तेरा साहेब गिरेगा। हैप्पी बर्थडे। बदलेगा मौसम ऐसा पतझड़ आएगा, पत्ता पत्ता तुझसे हर एक ऐप गिरेगा, न्यूटन एक दिन से गिरेगा, न्यूटन एक दिन से गिरेगा, ओ न्यूटन एक दिन से गिरेगा, ओ न्यूटन एक दिन से गिरेगा। अब फिर लेट आए? मैं सिर्फ 7 मिनट लेट हूँ। डेथ के 7 मिनट बाद ब्रेन डेथ हो जाती है। आगे से नहीं होगा मैम, मतलब डेथ के बाद ब्रेन डेथ होगी पर मैं लेट नहीं होऊंगा। यूट्रस का मेन ब्लड फ्लो बंद करेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। हीमोस्टेसिस चेक करें एंड स्ट्रेच इट अप। डॉक्टर गुप्ता, यू डू इट। मैम मी? यस, लास्ट मैन स्टैंडिंग। तेरी पिक्चर का सैड हो चाहे सी। डन मैम। गोली के पी जा सारी तलखी, हो जा तू तल्ली, आज नहीं तो कल पक्का नाचेगी।
ट्विन डिलीवरी है, पेशेंट एक्टिव लेबर में है। मैम मैंने कभी ट्विन डिलीवरी नहीं की है। आपने कभी कॉरिडोर डिलीवरी भी नहीं की थी। ओ वन के बरखा तुझ पर चंदन लेप गिरेगा। ये क्या निकाल रहे हो, बच्चा निकालो। मैं बताता हूँ, बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, बचपन से तू शाबाश। एक बार और करेंगे, बोल साचे दरबार की जय। उसका में गिरेगा न्यूटन एक दिन से गिरेगा। डबल कंग्रेचुलेशंस, कमिटी का लेटर आया है, आपके ऊपर जो कंप्लेन थी वो डिसमिस कर दी गई है। वेल डन। प्रणाम दादा। गुड्डू कुछ बात करनी है। जी कल खाने पे आ जाओ। जी कल आ जाएंगे। गुड्डू सुनो सुनो, वो आईएएस का रिजल्ट आया है ना, तो इतनी मेहनत की बेचारे ने, पर हुआ नहीं, दिखा नहीं रहा है, लेकिन बहुत दुखी है। कह रहा था शहर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम जरा देखा उसे, बेचारा रो रहा था। से लटक गया यार। कोई बात नहीं यार, एक और बार ट्राई कर ले। बहुत हो गया, अब घर जाना है। गुड्डू। जी दादा। मेरा एक कांड हो गया है। वो जो लड़की थी ना काव्या। जी दादा। वो प्रेग्नेंट हो गई है। लीजिए भैया, आपके लिए गर्मा गर्म कबाब बनाए, खाकर बताइए कैसे हैं। अच्छे हैं भाभी। नमक ठीक है? Too good. आप लोग इसे जल्दी खत्म करिए, मैं डिनर लगाती हूँ। दो महीने से ऊपर हो गया उसको। बेवकूफ लड़की कह रही है उसे पता ही नहीं चला कि पीरियड लेट हो गया है। तो अब दादा तुम्हारी मदद चाहिए यार। जी दादा। यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, आई हैव टू बी अ फैमिली मैन नाउ। यहाँ सब हमको पहचानते हैं, हम तो अस्पताल नहीं जा सकते ना, तो सोचा कि ऐसे ही वक्त पे तो अपने काम आते हैं ना, है ना? जी दादा। हाँ चलो आ रहे, चलो भाई। दादा मैं निकलता हूँ। मगर खाना? नेशनल्स का मॉक टेस्ट है मेरा। गुड्डू बेटा काम तो करा दोगे ना हमारा? जी दादा। सलवार कमीज तो है ना तुम्हारे पास? नहीं। ओके। आप ही ले जाएंगे हॉस्पिटल? हाँ दादा ने तुम्हें बताया नहीं? मुझे लगा आपसे स्कूल से छुट्टी दिलवाने आए, लेकिन हॉस्पिटल वही ले जाएंगे।
सर ये वाला गुड़िया पे एकदम बढ़िया लगेगा सर। हाँ ठीक है। और सर इसकी फिटिंग तो सर एक नंबर आई, ट्राई कर लूंगी। कोई और कलर चाहिए? नहीं इट्स फाइन। एज क्या है तुम्हारी? काव्या एज क्या है तुम्हारी? 18 बोलनी है, पता है 10 बार फोन करके बता चुके हैं वो मुझे। फातिमा आई हैव अ फेवर टू आस्क। क्या? एक पेशेंट है उसका एमटी भी करना, प्लीज कर लो अभी, इमरजेंसी है। मेरी पेशेंट लीवर में है। तो मैं देख लूंगा ना उसे। तुम क्यों नहीं करते एमटी? वो मेरी सिस्टर है दूर की, तो चेकअप हुआ है पहले करना। ठीक है तुम एक पेशेंट ले कम। हाय काव्या, आई एम डॉक्टर फातिमा। एज क्या है तुम्हारी? 18। तो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी आई एम प्रिज्यूमिंग। व्हाई प्रीत? तुमने टेस्ट किया कोई? सेल्फ किट से। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि 2 महीने से ऊपर है। भैया नहीं है वो मेरे। हाँ भैया नहीं है। ओके यहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। ओके उठ जाओ, अब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। उदय, डॉक्टर उदय। अरे छोड़िए छोड़िए। हाँ फातिमा। उदय काव्या को प्लेसेंटा प्रीविया है। लुक प्लेसेंटा एकदम सर्विक्स पे है, उसका एमटीपी बहुत रिस्की है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। शिट, तो उसे ऑपरेट करके अबॉर्ट नहीं करा सकते क्या? मैं नहीं कर सकती। आई रियली थिंक तुम्हें नंदिनी मैम से बात करनी चाहिए। नंदिनी मैम। एंड उदय आई एम सेइंग दिस एज अ फ्रेंड, नंदिनी मैम को सच बोलना, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस है कि तुम झूठ बोल रहे हो। शी टोल्ड मी कि तुम भाई नहीं हो। हाँ वो मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, अजन भाई की कजन है मेरे। तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया उसके साथ? यार वो शादीशुदा है यार, इज्जत है उसकी सोसाइटी में। तो सेक्स करते हुए इज्जत का ख्याल नहीं आया उसे? यार अफेयर किसका नहीं होता है यार, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है, फिर भी किस किया ना हमने? हाँ, किया था तो 10 बार सेक्स भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि तुम उम्मीद लगाकर बैठे थे। मैंने जो भी किया ना वो अपनी मर्जी से किया, पूरी समझ के साथ। वो लड़की सिर्फ 18 साल की है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। डू यू इवन अंडरस्टैंड? 18 की तो है ना वो। डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव गाना के चुड़ी सर। व्हाट टू? Thank you. This is not advisable at all. It could be life-threatening. Ma'am, but it is possible, na? हाँ, अगर वो insist करे तो हम कर देंगे, लेकिन immediate family का consent चाहिए। There's practically nobody. उसकी एक माँ है, she stays in the village, बीमार है, तो you know it's not practical. क्या लगती है आपकी? Don't insult my intelligence. I understand उसकी माँ क्यों नहीं आ सकती। Then you also must be understanding कि abortion कितना जरूरी है, society का इतना pressure है। I understand it, but don't you understand that as a doctor हमें हमारे patient के बारे में concerned होना चाहिए, ना कि society क्या कहे। शहर के बाहर बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ वो secretly ये pregnancy delivery कर सकती है। मैं आपको कॉन्टैक्ट्स दे दूंगी, आप उन्हें गाइड करिएगा, बट प्लीज फॉलो द कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। यस मैम।
I don't want my department to get into any kind of problems. Dada, placenta bilkul cervix pe hai. Koi doctor ready nahi hai abortion karne ke liye. Kyunki excessive bleeding ho sakti hai, risky hai. Death bhi ho sakti hai. Acha Uday, tum Kavya ko ek do din apne ghar pe thehra loge. Yaar, use hostel se baar-baar chutti nahi milegi. Aur hotel mein akela chhodna nahi chahte. कहीं उसने कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत कर ली, नस वस काट ली तो गेम हो जाएगा. ठीक है दादा. पहले आप लेने नहीं आए, अब आप उनके घर भेज रहे हो. लेकिन सुनिए तो, मेरी प्री बोझ हैं. आपके घर जाना है, पता है. काव्या अभी नहीं जा सकते, मेरी ड्यूटीज हैं, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा. उधर कैंटीन है, टेक सम मनी फ्रॉम देयर. पैसे हैं मेरे पास. चीजों से ही हमने ये टेस्टी और सरल चीजें बनाई फटाफट चुटकी में. मम्मी ये क्या चल रहा है? ऐसे मसालेदार आइटम सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. ठीक है, ओके. बहुत बढ़िया. अरे ये प्रैक्टिस का वीडियो बना रहे हैं ना, टेस्ट है ना गुड्डू, 8-10 आइटम बनाने की, सब बनाऊंगी. कैसा है? लाइटें वाइटें दिए भी है, क्यों लगा दी? विश, हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है ना. हाँ, ये काव्या है. नमस्ते. वो कुलीक की बहन, बताया था ना आपको. हाँ, जितना दिन रहने आराम से रहो बेटा, तुम अपना कमरा दे देना इसको. हाँ, चड्डी में तेरे कमरे में सोऊंगा. ठीक है, कपड़े पहन लेना बस. कपड़े की कोई गुंजाइश नहीं है, सारा सामान पैक हो चुका है. अपलोड कर देना. हाँ, कब तक देना है? नहीं, मैं लिख लूंगी. एक दो दिन में आ जाऊंगी. श्वेता वो, हाँ, बाय. खाना खा लो. आर यू ओके? एक ऐसे लिख के देना है 500 वर्ड्स का, वो हो नहीं रहा मुझसे. किस पे लिखना है? Who is the most influential person in your life and why? I can understand. क्यों, अगर ये ऐसे मुझे लास्ट वीक लिख कर देना होता तो मैं बहुत अच्छा लिख लेती. But today I'm just so ashamed to write it. It's okay. तुम बच्ची हो भी. I'm not ashamed of falling in love with her. I'm ashamed of being stupid. Ashok, मुझे फुटबॉल की तरह स्कूल से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आपके आपके घर से पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक रहे हैं. मुझे एक मोमेंट में लगा था तो शायद ही इज नॉट अ गुड गाय. So stupid, and I didn't listen to myself. किस मोमेंट पे लगा था तुम्हें? जब आप दोनों ने मिलकर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन पर बहुत सुनाया था. सॉरी मैम. आ रही है ना पक्का? बाय.
बॉस की और जेनी ने सुबह 4 बजे तक पीने का प्लान बनाया है। आओगे? जल्दी आ गए, काम नहीं था, मन नहीं था मेरा भी। ऐसे नहीं लिखा, पर इट्स ओके, लिख लूंगी। आई जस्ट थिंक ऑफ सम फिक्शनल कैरेक्टर टू राइट इट। वैसे भी कौन सा इंग्लिश के नंबर लाके पीएमटी निकलेगा मेरा? तुम्हें सच में पीएमटी निकालना? हाँ चलो दिखाता हूँ तुम्हें कुछ। लेट हो जाएगा मम्मी, खाना खा के सो जाना। नीचे आ रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? असल विनोद कुमार जायसवाल, वो चौक पे जायसवाल फर्नीचर है ना, वो हमारा ही है। क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी यार उदय, मैं आज जाने वाला था तो मैंने कहा एक बार मिल लेते हैं विनोद जी से जाने से पहले।
हो गया, अब जा बाय। आप भी मिलिए चड्डी से, उनको लेट हो रहा है, आप स्टेशन तक छोड़ दीजिए ना, काफी पहले चले जाना चाहिए था इन्हें। मैं चलता हूँ। काव्या सामान पैक करते हैं। हाय, चलो बाय बाय डॉक्टर जी। शर्मिंदगी है क्या तुम्हें हमसे? मम्मी मैं ये घर छोड़ के कब का चला जाता, मंदसौर तक जाने को तैयार था ऑर्थो लेने के लिए, अपना करियर बनाता, आपके साथ रहने के लिए ना काफी सेक्रीफाइस किए मैंने। करियर बनाने का तो हमारा भी बहुत मन था गुड्डू। क्या उम्र होती है बीए फाइनल में जब तुम्हारे पापा तुम्हें हमारे पेट में डाल के दुनिया से चले गए? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो गया, कैसे करेंगे। हमने तो पूरा मन बना लिया था कि तुम्हें गिरा देंगे। तुम्हारी दादी को पता चल गया कि हमारे पेट में लड़का है, क्या करते फिर? हाँ मन नहीं हो सकता क्या कि हमारे साथ भी कोई खड़ा रहे, हमारा हाथ पकड़ के भी कोई हो? हाँ हमारा मन नहीं कर सकता, हमने नहीं किया। सारी उम्र हम अकेले रहे, तुमको अकेले पाला हमने, तो ये सेक्रीफाइस ना सिर्फ तुमने नहीं किए गुड्डू, को ऐसे लिखना होता ऑन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन योर लाइफ, तो आप अपनी मम्मा के बारे में लिखते हैं ना? प्लीज डोंट मेक आई फील स्टूपिड। नमस्ते सर। सर एक्चुअली आपकी शॉप पे गया था, वहाँ से एड्रेस मिला आपका। आपकी मम्मी ने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया जी हमको, अब क्या चाहिए आपको? सर उनकी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट पे तो मैं भी नहीं हूँ, पर बेटा तो उन्हीं का हूँ ना। आई एम रियली सॉरी सर। मम्मी को मनाना हो ना तो घी के लड्डू ले जाइएगा उनके लिए, बहुत स्वीट है, फौरन मान जाएगी।
जी का मैसेज आया था। थैंक यू। सॉरी मम्मी। हाँ काव्या। कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कोई इंजेक्शन दिया है, तब से बहुत दर्द हो रहा है। कौन सा इंजेक्शन? तुम हो कहाँ? अच्छा, अशोक दादा से बात करो। वो कहीं बाहर गए हैं। ये क्लिनिक है, छपरी क्लिनिक मिसरोद में। इन्होंने कहा 7-8 घंटे में अपने आप अबॉर्शन हो जाएगा। किसी डॉक्टर को फोन दो। यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, ठीक है? ओके। क्या हुआ बच्ची को? कहाँ चली आ रही हो? अरे मैं भी चलती हूँ, बच्ची अकेली है, मदद हो जाएगी। चलो चलो। इसी अशोक का क्या लेना देना है सबसे? बता दो। मुझे शुरू से इसके लक्षण सही नहीं लगते थे। मम्मी। हाँ। मास्क खोलो, पकड़ो। मास्क? जल्दी। अरे इस पे अंगूठा तो लगाओ अपना। ये बता तो रहा है शबरी क्लिनिक पर, ये मिसरोद के वाने, ये तो होशंगाबाद रोड के राइट। तुम्हें मैप देखना आता भी है? आता है ना। लेफ्ट जेनी, हेलो। लेफ्ट या राइट? उधर तुम क्यों नहीं आ रहे फातिमा के एंगेजमेंट पे? ये एंगेजमेंट पे बुला रही है। ठीक जा रहे हैं ना, सही टर्न है। अरे लेफ्ट लेना है। ओहो। हेलो। पहले फोन काटो। हाँ ठीक है। मम्मी सही जा रहे हैं ना? अरे ये मैप तो घूम ही जा रहा है। यही है ना? चलो चलो चलो। ये क्या जगह है यार? जी मेरी बहन है यहाँ, काव्या शर्मा। रुकिए आप एक मिनट, मैं देखती हूँ। जल्दी कीजिए फोन दो। कहाँ गई वो? देखो बोलो। अरे मैम, अरे सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। Are you okay? कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ। इंजेक्शन कहाँ दिया? नीचे, 2 घंटे पहले। कौन सा इंजेक्शन? दादा कहाँ है? डॉक्टर को बुलाओ कोई। आपको जो भी बात करनी हो बाहर चल के करें। चलिए निकल। इंजेक्शन दिया है अभी बताओ, पुलिस को बुलाऊंगा मैं। डॉक्टर नहीं है, घर गए हुए हैं। एक अंडर एज का वॉशिंग कर रहे हैं आप। उदय यार कितना ड्रामा। जेनी मेरी बात ध्यान से सुन, प्रेसेंटा प्रीविया का केस है, अबॉर्शन के लिए वजाइना में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, व्हाट इज दिस प्रोसीजर? वजाइना में कौन सा इंजेक्शन? आई डोंट नो। वेट अ मिनट, इधर आओ यार। प्रोस्टाग्लैंडिन। शिट, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल दिया होगा। प्रेसेंटा प्रीविया के लिए तो बहुत डेंजरस है यार, उसे बहुत दर्द हो रहा है यार। गॉड नो, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। लिसन, यू नीड टू ऑपरेट इमीडिएटली। ओके ओके ओके। मम्मी। हाँ हाँ हाँ। टैक्सी बुलाओ जल्दी। हाँ, जल्दी हाँ, जल्दी टैक्सी। चल सकती हो? ऑटो ऑटो ऑटो, रुको भैया। एम्बुलेंस की चाबी ला। अभी चलो। चाबी नहीं है मेरे पास। दो नहीं तो देंगे, एक सपाटा खींच के लाओ, जल्दी लाओ। चाबी नहीं है मेरे पास। नहीं है। अशोक, तुम्हें तो हम ना सपाटा देंगे या अंगूठी छप जाएगी तुम्हारे गाल पे, समझे?
मम्मी काव्या की मॉम को फोन लगाओ जल्दी। बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं 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 करेंगी, गुस्सा गुस्सा मैं हूँ ना। हेलो, आप काव्या की मम्मी है? अच्छा मैं ना आपको बता, आप घबराना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये काव्या है ना, BIMS भोपाल में भर्ती है, आप ना आ जाओ बस जल्दी, हैं? आप घबराइए घबराइए नहीं है, गुड्डू ब्लीडिंग हो रही है। मम्मी को बोलो पहले कि जल्दी से आ जाए, और बोलो घबराओ नहीं, बोलो डॉक्टर लोग हैं साथ में, सब बोल दे। मम्मा मम्मा मैं ठीक हूँ, यहाँ मेरे साथ डॉक्टर्स हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। मम्मी काव्या के पेट के नीचे टच करके देखो, कुछ कॉन्ट्रैक्शन टाइप तो नहीं हो रहा है? पत्थर जैसा हो रहा है गुड्डू। हेलो शाहजहां, स्ट्रेचर लेके जल्दी आओ, इमरजेंसी वॉक के गेट पे, हाँ हाँ अटैक से। बस बस पहुंच गए भैया, और कितना ऊपर है? बस पहुंचने वाला मैडम। चलो 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 करो, आराम से आराम से। मम्मी तुम यहाँ रुको, काव्या का मम्मी को फोन लगाओ। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे रुको रुको, ऑपरेशन चल रहा है, एक और ऑपरेशन होगा, चलो आराम से आराम से आराम से। इधर इधर डॉक्टर उदय, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? मैम ये मर जाएगी, प्लीज। ओके स्क्रब करके आओ। यस मैम। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, रिलैक्स करो, बेबी आ रहा है। गजब बेइज्जती है यार, वास उठा के यहाँ डाल दिया है, आरक्षण चल रहा है क्या इसमें भी? मैडम शांत हो जाइए, आपके टांके लग रहे हैं। हाँ टांके तो लग रहे हैं, तो क्या खुला छोड़ दोगे? मुझे भी खुला छोड़ दिया, उसको भी खुला छोड़ रहे हो, आधे पैसे दिए क्या मैंने? रेडी मैम। आपको बेटा हुआ है। ओके स्कैल्पल, इनको जनरल एनेस्थीसिया देना चाहिए था। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये आपकी इमरजेंसी है मैम, शी इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ये प्लासेंटा प्रीविया वाला केस है ना? Is she underage? Don't lie to me. आपने पुलिस में इन्फॉर्म किया है? This could be a rape case. मैम इनकी माँ को बताया, let's wait for her decision, उसके बाद लेंगे। Are you serious? मैम बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, प्लीज। Vitals? मैम BP 90/60, पल्स 100, प्रोस्टाग्लैंडिन दिया था इसलिए, मैम बहुत PV ब्लीडिंग हो रही है। Dr. Veena, give her 2 units of blood. Check her vitals continuously. Okay, ma'am. Next 2 hours are critical. Yes, ma'am. साले चुप। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तुम पर किडनैपिंग का चार्ज लगा रहे थे, मालूम है तुमको? रोक लिया मैंने। हॉस्पिटल नहीं, कूड़ेदान था। जब आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसे मरता हुआ छोड़ आए थे। दादा वो लड़की बचेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, मेरी इज्जत का सवाल है उदय। क्या आदमी हो यार, अपनी इज्जत की भीख मांगनी काव्या की मम्मी से मांगिएगा, रेप का चार्ज लगाएंगे आप पे शायद। शायद नहीं लगवाएंगी, पक्का लगाएंगी, हम लगवाएंगे। अब जेल में सड़ेंगे आप। अरे हीरो माना था मैंने आपको, माइनर है, इट्स अ रेप केस, पुलिस को इन्फॉर्मेशन भिजवा दीजिए एंड टेल डॉक्टर उदय टू कम एंड सी मी इमीडिएटली।
काव्या की मम्मी। काव्या कमल। अरे रुकिए, यहाँ ना अलाउड नहीं है, बाहर चलिए आप। हौसला रखो आप। अशोक क्या किया ये? भरोसा किया था हमने तुझ पे, ये सिला दिया है भरोसे का तूने? आज तेरे सर होते ना तो तेरा गला दबा देते, जिस आदमी ने तुझे इस लायक बनाया उसी की बेटी सर। शर्म नहीं आई तुझे? बच्ची है वो। Excuse me? छोटी सी बच्ची। आप यहाँ आई? तुझे अपने बेटे जैसा माना, काव्या का लोकल गार्जियन बनाया। You've turned this into a family feud. Ma'am, she was in a bad state. वो मर जाती। Exactly. आपकी गलती की वजह से वो लड़की मर सकती थी। On my table. मैंने मना किया था आपको, और फिर भी आपको जरूरत नहीं लगी मुझे कंसल्ट करने की। मैम, I spoke to Jenny. आप पूछ सकते हो। आपने झूठ बोला कि वो अडल्ट है। You've committed a crime, और इसके लिए आप जेल जा सकते हैं। सारे एथिक्स, सारे रूल्स तोड़ दिए आपने। आप अभी मेरे साथ डीन के पास चलिए, and I will make sure you never get the license to practice. 15 minutes. इस हॉस्पिटल में आपके आखिरी 15 मिनट। जाइए उस लड़की की केस फाइल्स ले आइए। मैम, उसे होश आ गया है। काव्या। मम्मा। I'm sorry. मैं हूँ ना बेटा। आ गई ना भाग के तेरे पास। Thank you for everything. Don't be stupid. Because you're not. Thank you. मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आपका एहसान रहेगा हमेशा। डियर उदय, आई होप कि तुम्हें इस किताब की कभी ज़रूरत ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि तुम इस डिपार्टमेंट को कभी छोड़ के जाओ। एक टाइम था जब तुम इस डिपार्टमेंट से गायब होने के रास्ते ढूंढते रहते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि अब तुम वैसे नहीं हो। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है तुम्हें जीतते हुए देख के, और उससे ज़्यादा खुशी होती है तुम्हें लड़ते हुए देख के। तो लड़ते रहना। लव, फातिमा। माइनर के अबॉर्शन के केस में आपको पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। यस सर। यू बिट्रेड द कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। यस सर। पुलिस की कार्यवाही शुरू हो गई? जी सर। डॉक्टर उदय, पिछले 3 महीनों में यह आपके खिलाफ दूसरी कंप्लेंट है। यस सर। I understand, sir. I'm really sorry about it. और आप जो भी पनिशमेंट देंगे, I'm ready for it. पर सर, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं, स्पेशली नंदनी मैम से। आपने मुझे ये बात काफ़ी समझाने की कोशिश की है that I have to lose the male touch if I want to become a good gynecologist. And you know what? आप मानेंगी नहीं, today I have lost that male touch. सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस हॉस्पिटल के बाहर भी। डॉक्टर नंदिनी, क्या इन्हें रस्टिकेट किया जाए? आ,
इन्होंने दो बातें बिल्कुल सही कही कि मैंने इन्हें बहुत सिखाने की कोशिश की और मैं उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। As far as rusticate किया जाए या नहीं वो डिसाइड करने के लिए आई नीड टू ऑब्जर्व हिम क्लोजली। सो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे ही डिपार्टमेंट में रहे। You have a lot of work, doctor. Leave. Okay. Yes, ma'am. Finally, Uday is here. शुक्रिया भाई, थैंक्स। मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहां तक आ गए। And I just don't mean engagement तक। I mean Fatima, पूरे टाइम जब मैंने तुम पे, रिचा पे, अपनी माँ पे गुस्सा किया ना, मैंने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि मैंने गुस्सा क्यों किया। अगर झांका होता ना तो शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर ही नजर आती। You know what? जब भी तुम मुझे कहती थी कि अपन सिर्फ दोस्त हैं, मेरी सटक जाती थी। मतलब इतना गुस्सा आता था ना अंदर से, मुझे लगता था कि तुम कह रही हो कि सुनो उदय, मेरी लाइफ में तुम नहीं, मेरी लाइफ में आरिफ है। आर इफ हमारा इफ। आज मैंने ना हिम्मत करके वो किताब खोली जो तुमने मुझे दी थी, इसको पढ़ा और समझा कि जो चट्टी और मैं एक दूसरे के लिए फील करते हैं ना, वही एग्जैक्टली सेम टू सेम तुम मेरे लिए फील करती हो। मेरे जाने पर भी तुम्हें उतना ही दुख होता जितना मुझे चट्टी के जाने पे हुआ है। साले को भाई भी नहीं बोल पाया। फातिमा, क्या तुम मेरी लाइफ की दूसरी चट्टी बनोगी? तारीफ सुनी लोगों की जुबानी, मन को लुभाए तेरी जवानी जवानी। तारीफ सुनी लोगों की जुबानी, मन को लुभाए तेरी जवानी, नजर मिला के नजर चुराए, करने दे थोड़ी शैतानी शैतानी। जब काली वाली ड्रेस पहन के क्लब में आती तू, मेरा दिल धक 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 करता है, मेरा दिल धक 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 करता है, मेरा दिल धक 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 करता है। कोई स्कूल है मुझको तू इग्नोर न कर, मेरा बीपी बढ़ जाता है,
जब ऊंची वाली हील्स पहन के मूव दिखाती तू मेरा दिल धक 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 करता है मेरा दिल धक 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 करता है मेरा दिल धक 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 करता है जब तेरे जैसे मजनू के हाथ न आती हूँ तेरा दिल धक 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 करता है तेरा दिल धक 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 करता है मेरा दिल धक 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 करता है तेरा दिल धक 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 करता है तेरा दिल धक 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 करता है कहते हैं सब बेटा बुद्धू है तू देख अच्छा नहीं इतना ऑप्टिमिज्म मैं कहता हूँ बेटा स्टार्टिंग है वो जहाँ सबको लगे हुई स्टोरी खत्म 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 होप में है मेरी उस्तादी मैं हूँ इडियट आशावादी मेरी थिंकिंग सीधी साधी मैं हूँ इडियट आशावादी That's right. होप में है मेरी उस्तादी मैं हूँ इडियट आशावादी Idiot. मेरी थिंकिंग सीधी साधी मैं हूँ इडियट आशावादी Idiot. तो मैंने कहा चौका तो मिला पैर फ्रैक्चर हुआ तो सोचा आराम का मौका तो मिला मौका तो मिला पैंडेमिक फैला तो बोला नेचर हील हो रहा है टूटा हुई तसल्ली कुछ तो फील हो रहा है कुछ तो फील हो रहा है कुछ तो फील हो रहा है अनएम्प्लॉय नहीं सेल्फ रिलायंट हूँ मैं खुद ही कस्टमर खुद ही क्लाइंट हूँ मैं मुझसे निराशा को निराश पाया गया है ब्लड में मेरे च्यवन प्राश पाया गया है मैंने फिकर की तितली उड़ा दी मैं हूँ इडियट आशावादी मुझे पता है मिलेगी आजादी मैं हूँ इडियट आशावादी होप में है मेरी उस्तादी मैं हूँ इडियट आशावादी Idiot. मेरी थिंकिंग सीधी सादी मैं हूँ इडियट आशावादी Idiot. आशावादी इडियट 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 आशावादी इडियट इडियट